अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने बिजली और पानी को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली। मंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द ही समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस और चार्जशीट देने के निर्देश दिए। श्रम मंत्री ने जिला परिषद के सभागार में जलदाय विभाग और विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, जिला परिषद सीईओ जसमीत सिंह संधु, यूआईटी सचिव अर्तिका सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, बिजली और पानी मैं समझता हूँ कि इंसान की ऐसी ज़रूरत बन गई जिनके बिना वो रह ही नहीं सकता है। और लगातार मेरे सामने पिछले एक सप्ताह से शिकायतें आ रही थी। हमारे पार्षद भी धरने पे बैठ गए थे और भी वार्डों से, शहर से और ग्रामीण इलाके से भी लगातार शिकायतें आ रही थी। तो आज दोनों ही विभागों की मुख्य तौर पर मीटिंग की गई है। बाकी तो और भी विभागों का रिव्यू चल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आने वाली गर्मी में लोगों को परेशानी नहीं हो, उनको पूरा पानी मिले, सिंगल फेज की लाइट रात को भी आए, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। शहर में चूंकि अव्यवस्थाएँ बहुत अधिक थी, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कई अधिकारी कर्मचारियों को चार्जशीट भी दी गई है ताकि